आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 14 नवंबर से 20 नवंबर 2022 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी विषय के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, ये राशिफल बहुत ही सामान्य है, गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लिया करिए और अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुन सकते हैं। इसी के साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपकी राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डाले हुए हैं, तो सीधे आप वीडियो को आगे बढ़ा करके और अपनी राशि का सुन लीजिएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, पारिवारिक दृष्टि से समय थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा। परिवार के अंदर अचानक से वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थितियां निर्मित होंगी। मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, खुद के मेंटल इमोशनल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। स्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहेंगी, हालांकि आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों में लाभ मिलेगा, लेकिन जो पारिवारिक पक्ष रहेगा आपका, वहां पर थोड़ा सा तनाव होने के योग बनेंगे, तो आपको केयरफुल रहना है। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार रात 8-10 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, वहां पर आपको अपने बच्चों के साथ में तालमेल बनाना है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाइएगा, वैचारिक मतभेद के योग बनेंगे। क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा, आर्थिक लाभ भी आपके लिए होंगे, लेकिन मेंटली आप थोड़ा सा अपसेट अपने आप को पाएंगे। शुक्रवार रात से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, वहां पर स्थितियां आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। यात्राएं होंगी, उससे आपको लाभ होगा। किसी भी तरह का डिस्प्यूट, कोई भी इश्यूज रहे होंगे, वो सारे आपके सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ेंगे। हर एक तरह से टाइम आपको सपोर्ट देने लगेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा है, लेकिन अपनी वाणी का, कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा। अचानक से आपके लिए आर्थिक लाभ के योग भी निर्मित होंगे। इसी के साथ साथ ये जो समय रहेगा, अपने बच्चों से संबंधित किसी तरह के प्रेम संबंधों में है, वहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। जो लोग किसी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह लाभ देने का काम करेगा। घरेलू सुख सुविधाओं में आपके लिए वृद्धि के योग निर्मित होंगे। कार्य क्षेत्र आपका आपको सपोर्ट देता हुआ मिलेगा। विदेशों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। पारिवारिक पक्ष का आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ शुरू हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, हर तरह से आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। यात्राएं होंगी जो कि आपकी कार्य व्यवसाय में लाभ देने का काम करेंगी। टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कुछ काम है, वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार रात 8 से 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर वृषभ वालों को सावधानी की जरूरत पड़ेगी। आपके परिवार के अंदर अचानक से वाद विवाद, तनाव जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी तरह की कहासुनी, कोई क्लेश, मदर के साथ कोई डिस्प्यूट, स्वास्थ्य में छिटपुट आपको दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। शुक्रवार रात से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, वो टाइम पीरियड आपको अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा ध्यान रखना है। स्थितियां वहां पर आपको दिक्कत दे सकती हैं और जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनर के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद के योग आप लोगों के लिए दिखाई पड़ेंगे। जो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन पढ़ने से हट सकता है, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये समय जो रहेगा आप लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड है और जो लोग कहीं फॉरेन से जुड़ करके कुछ कार्य करते हैं, वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, परिवार के अंदर की स्थितियों के
प्रति भी आपको सजग होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य में आपको छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और दोपहर जो बुधवार का टाइम पीरियड रहेगा, वहां से लेकर के जो पूरा शुक्रवार रात 8-9 बजे तक का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपके लिए काफी लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस को बढ़ाने वाली होंगी। स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के कम्युनिकेशन, आईटी, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए परिस्थितियां लाभ देते हुए दिखाई पड़ेंगी। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार रात से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, पारिवारिक दृष्टि से आपको थोड़ा सा सामंजस्य बनाना है। परिवार में अचानक से वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होंगी, कलह क्लेश, किसी भी सदस्य के साथ कोई वाद विवाद, मदर के साथ कोई कहासुनी या मदर के स्वास्थ्य में किसी तरह की कमी आ सकती है। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अच्छा है। आर्थिक लाभ होता हुआ आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह के आपके कुछ डिस्प्यूट या कोई भी कर्जे जैसी स्थितियां रही होंगी, वहां पर भी आपके लिए रिलीफ की स्थितियां बन रही हैं। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़कर के कार्य कर रहे हैं या किसी तरह के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बच्चों से संबंधित चीजों के लिए या जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या जो लोग किसी तरह के रिलेशन में है, थोड़ा सा सावधानी के साथ में रहिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार का जो सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर तक का टाइम पीरियड रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगे। समाज में आपके मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की वृद्धि के योग बनेंगे। काफी अच्छा समय रहेगा आपका, शुरुआत का जो 2.25 दिन का टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद बुधवार दोपहर से लेकर के जो शुक्रवार 7-8 बजे रात तक का टाइम पीरियड है, वहां पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी चीजों में आपको कुछ कमियां दिखाई पड़ सकती हैं। परिवार के अंदर किसी तरह का वाद विवाद या कहा सुनी। आर्थिक लाभ आपको अवश्य होंगे। भाषा शैली का ध्यान रखिएगा। वाणी की वजह से या कम्युनिकेशन की वजह से कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो उस पक्ष में आपको सावधानी रखनी होगी। लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। इसी के साथ साथ शुक्रवार रात से लेकर के जो पूरा संडे का टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका व्यापार बिजनेस बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। भाई बहनों को सहयोग मिलेगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। यात्राओं से आपके लिए लाभ के योग दिखाई पड़ेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए कार्य व्यवसाय बिजनेस को बढ़ाने वाला होगा। उच्च शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। भाग्य, पिता, पराक्रम, पुरुषार्थ, इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग बच्चों से संबंधित कुछ निर्णय लेना चाहते थे, उनके लिए समय काफी अनुकूल है। ये समय आपको किसी तरह के रिलेशनशिप की ओर भी लेकर के जा सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपको सामंजस्य बनाना है। जहां पर आप काम करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पर आप थोड़ा सा लोगों के साथ में तालमेल बना करके चलिएगा। किसी तरह का ईगो, अहम, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से जो समय रहेगा आपके लिए, अपनी मदर की सेहत का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कतें या उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद, डिस्प्यूट, इस तरह के योग आप लोगों के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, सावधानी का समय है। आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यात्राएं होंगी जिसमें आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं या किसी तरह का पैसों का अपव्यय होना, जर्नीज में कोई मुश्किलें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ पैसे आपके अनावश्यक व्यय होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड चीजों के ऊपर कुछ पैसों के अपव्यय के योग बन रहे हैं। जर्नीज का प्रयास करिएगा कि ना करें तो ही अच्छा है। बहुत जरूरी हो तो सावधानी रखते हुए फिर आप आगे बढ़ें। इसके बाद बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार रात 7-8 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, सिंह वालों के लिए काफी अच्छा है। काफी आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में काफी लाभ, सामंजस्य की स्थितियां बनेंगी। यात्राएं होंगी जिससे आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप व्यापार, बिजनेस, इन चीजों में काफी प्रोग्रेस करते हुए अपने आप को पाएंगे। अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। फिर जो आपका थर्ड पीरियड आएगा, शुक्रवार रात से लेकर के जो पूरा संडे तक का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको पारिवारिक पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। खान पान, सेहत का ध्यान रखिएगा।
वाणी से किसी से इस तरह से बातचीत मत करिएगा कि आपको कोई नुकसान हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। परिवार के अंदर कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी बनने के योग आप लोगों के लिए बनेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये समय आपको कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित जो चीजें होती हैं वहां पर सक्सेस के योग देगा। स्वास्थ्य संबंधी चीजों का आपको ध्यान रखना है। विदेशों से जुड़ करके आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी वजह से कुछ फॉरेन रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए या किसी भी तरह के जो एजुकेशन से जुड़े हुए फील्ड होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह होते हैं, वहां पर आपके लिए स्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। परिवार के अंदर किसी तरह का शुभता वाला इवेंट्स, कुछ कंस्ट्रक्शन निर्माण और ये चीजों चीजें मिलेंगी आपको। साथ ही साथ ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको एक मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय काफी अच्छा है। कुछ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इस तरह की स्थितियां भी आप लोगों के लिए मिल सकती हैं आने वाले सप्ताह में। सावधानी जो रखनी है, अपने फादर से संबंधित चीजों को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा, या जो भी आपकी जर्नी से संबंधित चीजें होती हैं, चाहे आप उच्च शिक्षा से जुड़े हैं या धर्म से जुड़ा हुआ कुछ कार्य कर रहे हैं, पिता के साथ तालमेल बनाइएगा। उनके साथ में थोड़ा सा छिटपुट वैचारिक मतभेद के योग आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको शुरुआत में मंडे से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपके कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स होंगे। आर्थिक लाभ होगा, गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, या पहले से कुछ आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके रखे हों, कुछ ना कुछ सोर्स से आपको आर्थिक लाभ अवश्य होंगे। क्रिएशन के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बच्चों से लगाव, प्रेम, स्नेह जैसे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार शाम 8 बजे तक का जो समय रहेगा, वहां पर अचानक से आपके लिए खर्चे के योग निर्मित हो रहे हैं। यात्राओं से सावधानी बरतिएगा। यात्राओं में किसी तरह की दिक्कतें, मदर की सेहत में कोई उतार चढ़ाव, अनावश्यक पैसों का व्यय या हेल्थ रिलेटेड कुछ आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। सप्ताह मध्य में आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। फिर वीकेंड जो आएगा, शुक्रवार रात से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। व्यवसाय, बिजनेस, जीवन साथी से काफी अच्छी आपकी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई पड़ेगी। लोगों के बीच में आपके एक नेम, फेम, प्रसिद्धि जैसे योग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी कन्या वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, जो लोग बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल है। आर्थिक लाभ बनेगा, मिलेगा आप लोगों के लिए। परिवार के अंदर कुछ अच्छे इवेंट्स होना, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, जीवन साथी के साथ में एक अच्छा टाइम पीरियड, भाग्य, पिता, पुरुषार्थ, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभपूर्ण योग बन रहे हैं, उसका आप लोग फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कार्य क्षेत्र से काफी सपोर्टिंग समय है आपके लिए। जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं या जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, वो प्रोग्रेस की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको मन मुताबिक कुछ परिणाम मिलेंगे। कार्यक्षेत्र की स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगे। अधिकारियों का आपको काफी सहयोग मिलेगा। जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं वहां पर आपके लिए काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपका बिजनेस और प्रोफेशन वाला एरिया जो है आपको बहुत सपोर्ट देगा। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार रात 8-9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, कुछ आर्थिक लाभ आप लोगों को मिलने के योग होंगे, बनेंगे। कुछ पैसों से संबंधित शुभता वाले इवेंट्स, अधिकारी वर्ग का काफी सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, जो लोग एनजीओ वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। ये टाइम पीरियड आप लोगों को बच्चों के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग, जो लोग किसी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग, शेयर, इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड आएगा, शुक्रवार रात से लेकर के पूरा संडे का जो दिन रहेगा, वहां पर अचानक से स्थितियां आपकी विपरीत हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ छिटपुट दिक्कतें, अनावश्यक पैसों का व्यय, यात्राओं से दिक्कतें, मदर की सेहत में किसी तरह की परेशानी, इस तरीके से पारिवारिक क्लेश जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। जर्नी में बहुत सावधानी आपको रखनी है। मदर के साथ तालमेल बना करके चलिएगा, उसके लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें रही होंगी, वहां पर रिलीफ देता हुआ दिखाई देगा। और प्रोफेशन
पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। आर्थिक लाभ आप लोगों को इस सप्ताह में अवश्य होंगे। परिवार से जुड़ी हुई जितनी भी चीजों में कुछ दिक्कतें मिली होंगी, वहां पर आपको लाभ मिलते हुए, रिलीफ मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। थोड़ा सा आप लोग ड्राइविंग जब करते हैं या किसी भी तरह से कुछ जर्नीज वगैरह करते हैं तो सावधानी रखिएगा। हल्का फुल्का आपको चोट चपेट इस तरह के योग भी बन रहे हैं, तो सावधानी आपको रखने की जरूरत रहेगी। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे और पैतृक संपत्ति से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड होगा, यात्राएं होंगी जो कि आपके प्रोफेशन से जुड़ करके हो सकती हैं। जो लोग हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा, धर्म, आध्यात्म के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। यात्राएं होंगी, लेकिन पिता के साथ तालमेल बनाना है। पिता की सेहत में किसी तरह की दिक्कतें या उनसे वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां बनेंगी तो वहां पर आपको बचाव करके चलने की जरूरत रहेगी। बाकी आपको भाग्य, पिता, पुरुषार्थ, इन सारे क्षेत्रों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार रात 8-9 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, वृश्चिक वालों के लिए कार्यक्षेत्र में स्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी। अधिकारियों का सपोर्ट, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आएगा, शुक्रवार शाम से लेकर के पूरा जो संडे का दिन रहेगा, कहीं से आपके लिए पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स होंगे। आर्थिक लाभ, अधिकारी वर्ग के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होना, बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आपके लिए काफी सपोर्ट से भरा हुआ टाइम पीरियड रहेगा। ये जो सप्ताह आप लोगों के लिए है, जिन लोगों का कार्य विदेशों से जुड़ करके है, कहीं आप बाहर से जुड़ करके कुछ काम करते हैं, उसके लिए समय काफी अनुकूल है। जॉब से जुड़ करके कुछ स्थान परिवर्तन के योग भी आप लोगों के लिए बनेंगे। पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन, आर्थिक लाभ की दृष्टि से समय आप लोगों के लिए काफी लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका आप लोग फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के बुधवार दोपहर तक का, बहुत सावधानी की आवश्यकता रहेगी। परिवार के अंदर अचानक से वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थितियां निर्मित होंगी। आप मेंटली इमोशनली अपने आप को काफी लो फील करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कुछ भी आपको पेपर रिलेटेड वर्क पे कुछ साइन करनी है या कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अनुकूल रहेगा। किसी के भी साथ आप कोई वाद विवाद नहीं करिएगा, मदर के साथ बिल्कुल मत आप बहस करिएगा। आप अपने खुद को लेकर के काफी संयमित होकर के रहिएगा। इस समय पर आप थोड़ा अपने आप को बहुत मानसिक रूप से कमजोर पाएंगे तो समय आपको सपोर्ट नहीं देगा। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार रात 8-9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए यात्राएं लेकर के आएगा जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगी। जो लोग किसी भी तरह के कम्युनिकेशन, आर्ट, किसी भी तरह का सेल परचेज या आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ कुछ कार्य करते हैं, वहां पर आप लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना रहेगा, उनके साथ वैचारिक मतभेद की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार शाम से लेकर के पूरा संडे का जो दिन रहेगा, आपके व्यवसाय, बिजनेस की दृष्टि से काफी अच्छा है। आर्थिक लाभ होंगे, कार्यक्षेत्र की स्थितियां आपके लिए लाभ देती हुई दिखाई पड़ेंगी। आप लोग अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा, उसकी दृष्टि से समय उतना अनुकूल नहीं है। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट होना, घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन, निर्माण जैसी स्थितियां आपके लिए दिखाई पड़ेंगी। ये जो समय रहेगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरह के सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हैं, समय उसके लिए काफी अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा है। सफलता के आपके लिए योग बने हुए हैं, उसका आप लोग फायदा लीजिए। प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सप्ताह आपके लिए लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो समय रहेगा, मकर वालों के लिए कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की दृष्टि से काफी अच्छा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग खुदरा व्यापारी हैं, यात्राओं से आपको लाभ होगा। डेली इनकम में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग आपकी काफी अच्छी होगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार रात 8-9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। अचानक से आप पाएंगे स्थितियां आपकी विपरीत हो रही हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने रहेंगे, उस समय समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगा।
मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटली और इमोशनली बहुत इल फील करेंगे, एक अपसेट सा टाइम पीरियड रहेगा। तो आप प्रयास करिएगा कि किसी से आप वाद विवाद ना करें, किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, या कोई भी बड़े कार्य करना है, निर्णय लेना है, उसके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। पैसों का लेन देन भी इस टाइम पीरियड पर आप मत करिएगा। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार रात से लेकर के पूरा जो संडे का दिन रहेगा, वो आपके लिए यात्राओं की दृष्टि से रहेगा। लेकिन पिता के साथ तालमेल बनाना है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद या उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कुछ आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ये समय रहेगा जब आप किसी तरह की जर्नीज, कोई अपने एजुकेशन से जुड़ करके या किसी तरह के धार्मिक एक्टिविटीज से जुड़ करके कुछ आप यात्राएं करेंगी। मकर वालों के लिए जो सप्ताह है, आपके भाई बहनों की दृष्टि से, आपके करीबियों से आपके संबंधों में एक मजबूती देखने को मिलेगी। कार्य व्यवसाय बिजनेस बढ़ता हुआ आपको मिलेगा इस सप्ताह में। प्रोफेशन आपका काफी मजबूती पाएगा। जो लोग किसी भी तरह के सर्विस के लिए तलाश कर रहे थे, व्यापार बिजनेस में कुछ दिक्कतें आ रही थी, वहां पर आपको रिलीफ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। आर्थिक लाभ के रास्ते आप लोगों के लिए खुलेंगे। परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं, थोड़ा सौहार्द का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक शांति के वातावरण आपके लिए बराबर बने हुए हैं, लेकिन जो लोग विदेशों से जुड़कर के कुछ कार्य व्यापार बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। कोई भी आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जैसे रिलेटेड कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा समझदारी के साथ में लीजिएगा, अच्छे से पेपर देख करके। किसी तरह की चीटिंग होने के भी योग बन सकते हैं। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, ये सप्ताह आप लोगों के लिए किसी रिश्ते में जाने की ओर भी संकेत कर रहा है। जो बच्चे हैं, अपना पूरा फोकस अच्छे से बना करके रखिएगा। आपका दिमाग जो है, आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है। किसी तरह के रिश्तों में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। ये सप्ताह आपको बड़े भाई बहनों से, अधिकारी वर्ग से, गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में नए रिश्तों की ओर भी बढ़ेंगे। और थोड़ा सा आप अपने डिसीजंस को लेकर के सावधानी बरतिएगा। आवेश में आकर के या बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सवेरे से लेकर के बुधवार दोपहर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कार्य व्यवसाय बिजनेस यात्राओं से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। पार्टनर के साथ में आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार रात 8 से 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां की स्थितियां आप लोगों के लिए कार्य व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से काफी अच्छी हैं। आपका व्यापार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और यात्राएं होंगी जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए। व्यापारिक गतिविधियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णयों की दृष्टि से समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगा। कोई भी आप पेपर रिलेटेड काम करते हैं, कुछ भी आप मीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ में मिल करके आपको कोई बड़े काम करने हैं, उसके लिए समय बिल्कुल नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप अपने आप को अस्वस्थ पा सकते हैं, या कोई भी बड़े कार्य के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। हालांकि आपको आर्थिक लाभ अवश्य होंगे, आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए अनुकूल बना रहेगा, उसमें किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। ये जो सप्ताह है कुंभ वालों के लिए, जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं बाहर से जुड़ करके है, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ भी आपके डिस्प्यूट रहे होंगे, किसी भी तरह की आपकी दिक्कतें रही होंगी, वहां पर आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके कुछ पढ़ना लिखना चाह रहे थे, अपने कार्य का विस्तार करना चाह रहे थे, उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है, उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। सर्विस से जुड़कर की स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल बनेंगी। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ के पूरे प्रबल योग बने हुए हैं, उन सारी चीजों का फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से लेकर के बुधवार दोपहर तक का टाइम पीरियड, जो लोग किसी भी तरह के रिश्ते में हैं, अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाइएगा। वैचारिक मतभेद की स्थितियां बनेंगी, मेंटल इमोशनल डिस्प्यूट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिनके बच्चे छोटे हैं, बच्चों के साथ में बहुत एडजस्ट करके चलना है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मन पढ़ने लिखने से हट सकता है। जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, लाभ देने का काम करेगा। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे। सप्ताह मध्य पीरियड जो आपके लिए शुरू होगा, बुधवार दोपहर से लेकर के शुक्रवार रात तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, सफलताएं लेकर के आएगा। यात्राओं से लाभ,
किसी भी तरह का कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कोई डिस्प्यूट वगैरह होगा, वहां पर आपके लिए सक्सेस के रास्ते खुलेंगे। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, शुक्रवार रात से लेकर के पूरा संडे का दिन, आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर की दृष्टि से समय काफी अनुकूल है। यात्राओं से आपके लिए लाभ बनेंगे, व्यापार बिजनेस आपका बढ़ोतरी की ओर जाएगा। जो लोग खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल है, आर्थिक लाभ आप लोगों को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये समय जो है आपके लिए कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स लेकर के आएगा। स्वास्थ्य संबंधित जो भी आपकी दिक्कतें रही होंगी उसमें आपको न्यूनता देखने को मिलेगी। शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल है। और जो लोग मैरिज से संबंधित चीजों के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उसके लिए भी स्थितियां आपको सपोर्ट देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उच्च शिक्षा, यात्राएं, भाग्य, पुरुषार्थ क्षेत्रों से आपके लिए समय काफी अनुकूल बना हुआ है। जो लोग किसी भी तरह की नौकरी से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या कहीं पे आप जॉब करते हैं, उन सब दृष्टि से भी समय आपको लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यवसाय वाला जो क्षेत्र है आपका, जहां पर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, लोगों के साथ में थोड़ा तालमेल बनाइएगा, अचानक से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ये टाइम पीरियड जो रहेगा, आप अपने कम्युनिकेशन, अपने मेहनत और पराक्रम के द्वारा बहुत से लाभ अर्जित करते हुए पाएंगे अपने आप को। इस तरीके से मेष से लेकर के मीन वालों के लिए सप्ताह एक मिला जुला प्रभाव देगा और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए, और अलग अलग राशियों के लिए ईयरली राशिफल भी बनाना है, वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर के आऊंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।